नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। सेमरिया मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान बेलाव थाना क्षेत्र के नोहटा गांव निवासी शिव भजन सिंह के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक का नाम दीपक पाल बताया जा रहा है, जो शिव भजन सिंह के ही गाँव का रहने वाला है। घटना उस समय हुई जब दोनों लोग टेम्पो पर सवार होकर बेलाव से भभुआ की ओर जा रहे थे। सेमरिया मोड़ के पास ई रिक्शा और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो पर सवार शिव भजन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दीपक पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया। शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घायल दीपक पाल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग अभी सदर अस्पताल भगवा में मौजूद हैं और अभी बता दें कि बहुत दुखद घटना घट गई है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने जा रही है, हम लोग अभी आए हुए हैं। आपको बता दें कि रामपुर प्रखंड के नवहट्टा गाँव के रामनगीना सिंह के पुत्र शिव भजन सिंह, जो कि उम्र 56 वर्ष, वो और अपने गांव के एक साथ एक लड़के के साथ दीपक पाल के साथ वो आ रहे थे बिलाव से, और बिलाव से आ रहे थे जो ही भगवा मोड़ पे भगवा रोड में आए और इधर से जा रहे अनियंत्रित ई रिक्शा ने सामने से टक्कर मार दिया और वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद थाना में उनको लेकर सदर अस्पताल लाया गया, यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। आपको हम बता दें कि अनियंत्रित वाहन से आए दिनों कैमूर में घटनाएं बढ़ रही हैं और जगह जगह ट्रैफिक का चेकिंग भी है। पुलिस प्रशासन कहती है लाख दावे करें कि हम चेकिंग करते हैं, हम तो फिर भी कार्रवाई कुछ नहीं है। ये अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत से ऐसे नौसिखुए हैं जो मार्केट में ई रिक्शा लेके उतर गए हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना चलाने का भी गुण नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। कई ऐसा सब है जो हम लोग लेके रातों दिन पोस्टमार्टम कराने आए हैं। तो मैं कैमूर पुलिस से मांग करता हूँ कि तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई हो, ताकि अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाई जा सके। और मैं इनके परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग करता हूँ कि मृतक के आश्रितों को जो भी मुआवजा हो वो तत्काल मिले, जिससे परिवार का एक ऐसा सदस्य के चले जाने से पूरा परिवार सदमे में है और जो भी सरकारी लाभ है वो तत्काल।